एक ऐसा इरादा जो पूरी दुनिया को बदल दे। 1917 में हुई रूस में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बिना 20वीं सदी का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये ऐसा देश था जिसके किसान ही उसकी ताकत थे, लेकिन इस क्रांति ने उसे गरीब किसान देश से औद्योगिक और सेना से मजबूत बना दिया। इसे रूसी लोगों के साहस, त्याग और दर्द की कहानी भी कहा जा सकता है। इस हिंसक क्रांति ने सदियों से चले आ रहे रशियन एम्पायर का अंत कर दिया। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस खेती पर निर्भर रहने वाला देश बन चुका था, लेकिन वहाँ के किसानों की हालत बहुत खराब थी। एक तरफ वे काफी गरीब थे और ऊपर से उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। रूस की इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस समय रूस में सिर्फ 1000 इंडस्ट्री ही थे। इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को वेतन ज्यादा नहीं मिलता था और ना ही उनके रहने के लिए साफ जगह थी। उन लोगों के रहने के लिए जो अपार्टमेंट बनाए गए थे उसमें एक ही कमरा होता था, जिसमें कम से कम 15 लोगों को रहना पड़ता था, जबकि वो अपार्टमेंट सिर्फ 2 या 3 लोगों के रहने लायक ही थे। अपार्टमेंट के अनहाइजीनिक होने के कारण सब बीमार पड़ रहे थे। यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार देख रूस के लोगों ने भी लोकतंत्र की मांग की, साथ ही वोट देने का अधिकार मांगा। रूस के जार ने उनकी मांगें ठुकरा दी। रूस में राजा को जार कहा जाता था। इनके राज में देश पर पूरा कंट्रोल जार का होता था। जार जो कहें वो काम जनता को करना पड़ता था। 1894 में रूस को एक नया जार मिला जिसका नाम निकोलस द्वितीय था। उस समय 2 बड़े विचारधारक इस दुनिया में थे जिनका नाम कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन था। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट विचारधारा को दुनिया के सामने पेश किया। उनका मानना था कि अगर देश की सत्ता सभी वर्कर्स और किसानों को दे दी जाए तो इससे देश का भला होगा। पर लेनिन का मानना था कि अगर इतने सारे वर्कर्स और किसान देश को चलाएंगे तो देश की सत्ता में काफी उथल पुथल होगी। इसलिए उनका मानना था कि सभी किसानों और वर्कर्स की तरफ से एक तानाशाह को देश की कमान सौंपनी चाहिए। इसी विचारधारा के साथ 1898 में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता लेनिन थे, जिनका मकसद वर्कर्स और किसानों को फायदे में रखना था। लेकिन 1903 में ये पार्टी टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा बना मेंशेविक और दूसरा बोल्शेविक। ये दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि मेंशेविक डेमोक्रेसी की तरफ और बोल्शेविक तानाशाही की तरफ थे। इसके बाद रूस में एक क्रांति छिड़ गई जिसे रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 कहा जाता है। लाखों की तादाद में वर्कर्स और किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। सभी अच्छे वेतन, रोजगार और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और जिस दिन ये क्रांति हुई उसे ब्लडी संडे कहा जाता है क्योंकि उस दिन रविवार था। मिलिट्री ने भी इस हक की लड़ाई को रोकने की कोशिश की पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और अपनी सत्ता बचाने के लिए जार ने वर्कर्स की तरफ से एक प्रधानमंत्री का गठन किया और एक पार्लियामेंट बनाई जहां मंत्री लोगों की परेशानी को जार तक पहुंचाते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रियों को चुनने के लिए पहली बार चुनाव कराया गया, पर वोट देने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को दिया गया। इलेक्शन के बाद पीटर स्टोलपिन रशिया के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने रूस की हालत काफी हद तक सुधार दी। पर 1911 में पीटर स्टोलपिन की हत्या हो गई क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता देख जार ने पीटर को मरवा दिया, नहीं तो जार की गद्दी पीटर के पास आ जाती। 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ। चारों तरफ तबाही का दौर चल रहा था। रूस ने भी इस लड़ाई में भाग लिया। खाने और पैसे की कमी होने के बावजूद रूस इस युद्ध को लड़ रहा था। उसके बाद शुरू हुआ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। इस क्रांति को 2 भागों में लड़ा गया। जूलियन कैलेंडर के अनुसार पहली क्रांति फरवरी में हुई और दूसरी अक्टूबर में। पूरी जगह आंदोलन हुए। आंदोलन इतना भयानक था कि जार को सत्ता छोड़नी पड़ी और एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसका गठन मेंशेविक ने किया और 300 साल से चला आ रहा जार का साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद अलेक्जेंडर करेंस्की को रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया। सबको लगा कि रूस विश्व युद्ध से पीछे हट जाएगा और अपने देश के विकास पर ध्यान देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसे देख बोल्शेविक ने आंदोलन स्टार्ट किया और लोगों की मांग को पूरा करने को कहा, लेकिन मेंशेविक ने बोल्शेविक के नेताओं को अरेस्ट कर लिया और बोल्शेविक को बैन कर दिया। इसके बाद रशियन आर्मी ने मेंशेविक को सत्ता से हटाकर रूस पर मिलिट्री रूल को इम्प्लीमेंट करने का मन बनाया। सीधे तौर से कहें तो रशियन आर्मी मेंशेविक का तख्ता पलट करना चाहती थी।
जिसे देख मेंशेविक को लगा कि अब उनका राज खत्म होने वाला है। उन्होंने बोल्शेविक से मदद मांगी क्योंकि बोल्शेविक के पास रेड आर्मी थी जो कि लड़ाई करना जानती थी। बोल्शेविक के पास हथियार ट्रेंड सैनिक भी मौजूद थे। रशियन आर्मी की कोशिशों को रेड आर्मी ने नाकाम कर दिया। इसके बाद लेनिन रूस में फिर से वापस आ गए और फिर उन्होंने रूस की सत्ता पाने की ठान ली। लेनिन ने रूस के सभी वर्कर्स को अपनी तरफ जोड़ लिया जिससे सारे वर्कर्स बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगे। जब बोल्शेविक और मेंशेविक अलग हुए तभी लेनिन ने अपने विचारधारा पर काम करने वाले बोल्शेविक का साथ दिया और उनके लीडर बन गए। लेनिन ने बोल्शेविक को 24 अक्टूबर को आदेश दिया कि वे देश के सभी सरकारी जगहों पर कब्जा कर लें और बोल्शेविक की रेड आर्मी ने सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। मेंशेविक की सत्ता गिर गई और बोल्शेविक को रूस की सत्ता मिल गई। इस रिवॉल्यूशन में कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ रशियन सिविल वॉर। रशियन सिविल वॉर बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच था। अक्टूबर रिवॉल्यूशन से बोल्शेविक के सत्ता में काबिज होने से मेंशेविक नाराज थे और सिविल वॉर छिड़ गया। इस युद्ध को नाम दिया गया रेड वर्सेस व्हाइट वॉर। रेड वो लोग थे जो बोल्शेविक के तरफ थे और व्हाइट मेंशेविक के तरफ। मेंशेविक ने सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही अपने राज में फायदा पहुंचाया था और जमींदारों को भी जमीन फ्री में दी, पर बोल्शेविक के आने से सभी को बराबर जमीन दी जाती, सभी को बराबर नजर से देखा जाता, हर इंसान को उनकी जरूरत के हिसाब से ही चीज मिलती। इस रेड व्हाइट वॉर में मेंशेविक का साथ यूके, फ्रांस और यूएसए ने दिया और बोल्शेविक का साथ सिर्फ छोटे छोटे देशों ने दिया। ये युद्ध काफी भीषण था। 20 से 30 लाख लोग मारे गए और मेंशेविक का खात्मा हो गया। उसके बाद बोल्शेविक ने यूएसएसआर का गठन किया जिसका मतलब यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था और लेनिन इसके पहले तानाशाह बने। यूएसएसआर पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा पर चलती थी और इससे बुल्गारिया साइबेरिया जैसे कई देश जुड़ते गए। पहली बार कम्युनिज्म किसी देश में लागू हुआ। आज के समय में सिर्फ चाइना नॉर्थ कोरिया क्यूबा वियतनाम लूस में ही कम्युनिज्म का राज चलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।